ये देखो, ये गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट तो हैं, पर हाँ ये खोए से नहीं बने हैं, ये बिना खोए के गुलाब जामुन है, और तब भी ये इतने बढ़िया है। इन्होंने रस बहुत अच्छे से पिया है और इनको बनाने का सारा सीक्रेट, सारी रेसिपी इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब दिवाली पे मिठाई तो सभी खाते हैं, लेकिन अगर वो मिठाई घर पर बनी हो तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है ना। तो ये गुलाब जामुन की रेसिपी आप जरूर ट्राई करना, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना नकली खोया बनाना होगा, यानी कि इंस्टेंट खोया बनाना होगा। उसके लिए आपको चाहिए होगा आधा कप दूध, 1.5 कप मिल्क पाउडर चाहिए होगा, उसके साथ साथ आपको 1/4 कप घी चाहिए होगा। अब इतना ज्यादा घी क्यों? क्योंकि हमारे इंस्टेंट खोए में फैट घी डालेगा। तो बस सिंपल सा काम करना है कि आपको बस एक कढ़ाई सी लेनी है, कोशिश करना कि आप यहाँ पर नॉनस्टिक पैन ही लेना, और नॉनस्टिक पैन में अभी आप यहाँ पर गैस ऑन मत करना। अभी सबसे पहले आप यहाँ पर दूध डालना, घी डालना, घी को अच्छे से दूध के साथ मिलाना। अब आप यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डाल देना, उसको भी अच्छे से मिलाना, फिर ही गैस को ऑन करना। और ये देखो, इनिशियली तो आपको काफी लंपी सा बैटर जैसा मिल जाएगा, जैसे कि इसमें बहुत सारे लम्स हैं। तो घबराना नहीं, जैसे ही हम गैस ऑन करके हीट देंगे, वैसे इसमें धीरे धीरे करके बहुत फर्क आना शुरू हो जाता है। अब विद इन फ्यू सेकेंड्स ही आप ये देखो, ये गाढ़ा होने लग गया है, कैसे लंपी लंपी हो गया है, और बिल्कुल धीरे धीरे करके एक साथ आ जाएगा। बस ध्यान आपको इस बात का यहाँ पर देना है कि यहाँ पर आपको इसको हिलाते रहना है। अगर आप इसको नहीं हिलाओगे या स्टर नहीं करोगे तो ये नीचे से चिपक जाएगा और ये जल जाएगा और बिल्कुल खराब हो जाएगा। जब तक ये पूरा एक साथ नहीं हो जाता, तो आप इसको ऐसे स्टर करते रहो और विद इन 5 मिनट्स आपका इंस्टेंट खोया भी तैयार हो जाता है। तो बस अब आप गैस को करो बंद और इसको पहले बस 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। ज्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, मतलब जब वार्म होगा तो इसमें काम करना शुरू कर देंगे। अब जब भी आप गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाओ तो आपको एक बात का ध्यान तो जरूर देना पड़ेगा, वो ये है कि चाशनी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि गुलाब जामुन उसमें पूरा डूब जाए, तभी वो अच्छे से रस को एब्जॉर्ब करेंगे। और हाँ, चाशनी थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए, उबालना नहीं है और ठंडी नहीं होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 3 कप चीनी ली है और उसमें आप डाले लगभग 1.5 कप पानी और बस इसको स्टर करते रहना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ जो हलवाई करते हैं। ये जो आप साइड्स देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या होता है कि चीनी क्रिस्टलाइज हो जाती है। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अगर क्रिस्टलाइज चीनी चाशनी में चली जाती है तो वो चाशनी को भी क्रिस्टलाइज कर देती है। तो हलवाई लोग ये करते हैं कि आप थोड़ा सा टिश्यू पेपर में घी लगाना, घी को आप कढ़ाई में ऐसे साइड में रब कर देना। ये देखो आप, इससे क्या होगा कि चाशनी जो भी ऊपर लगेगी वो अपने आप ही नीचे आ जाएगी और क्रिस्टलाइजेशन वाली चीज बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसके चांसेस ही नहीं रहेंगे। अच्छा हाँ, अब आप बोलोगे कि भरत यार तुमने कढ़ाई क्यों ली है? कढ़ाई मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये थोड़ी वाइड भी है। आप छोटी कढ़ाई लेना, बहुत बड़ी कढ़ाई मत ले लेना, और इसमें डेप्थ भी है, ये बहुत काम आएगी हमारे गुलाब जामुन रखने के लिए। गुलाब जामुन टूटेंगी भी नहीं, यानी एक के ऊपर एक भी नहीं होंगे, और डेप्थ भी होगी तो चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब जब आप स्टेज पे आ जाओ तो हम थोड़ी सी फ्लेवरिंग भी डाल देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डालो कुटी हुई इलायची का पाउडर, साथ साथ मैंने यहाँ पर गुलाब जल तो डाला ही है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर काफी सारा केसर भी डाला, तभी तो गुलाब जामुन में वो बाजार वाला स्वाद आएगा, है ना। बस आप इसको थोड़ी देर और पकाएं, 2 से 3 मिनट, और जब आपकी चीनी पूरी अच्छे से पिघल जाए तो मतलब आपकी चाशनी ऑलमोस्ट तैयार है। तो जब पिघल जाए, बस आप ये चीज देखना कि जो भी चाशनी का टेक्सचर होगा, टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि जैसे हाथों में तेल लग जाता है ना, चिपचिपा होता है। चिपचिपा तो होता है लेकिन बहुत गाढ़ा भी नहीं होता, बिल्कुल वैसा टेक्सचर आपको चाहिए कि हाथ में तेल जैसा लगे और चिपचिपा फील जरूर हो, बस। अच्छा, 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे गुलाब जामुन का जो ये बैटर है, ध्यान रहे वार्म में ही इसको आपको शेप देना है। अगर आप इसको ठंडा कर दोगे तो आपके गुलाब जामुन में क्रैक्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे या फटने वाले हो जाएंगे, बहुत बेकार रहेंगे। तो ये वार्म होना बहुत जरूरी है। तो जब ये वार्म हो तो आप यहाँ पर डालो लगभग 3 से 4 चम्मच मैदे के, बड़े चम्मच मैदे के, यानी कि 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाला है मैदा, 1/4 टीस्पून आपको बेकिंग पाउडर डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना। उसके साथ अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर फ्लेवरिंग भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रहा। मतलब आपको 1 चम्मच कोई ना कोई लिक्विड डालना ही पड़ेगा, चाहे वो गुलाब जल हो सकता है, केवड़ा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है,
आप कुछ भी लिक्विड डालना जरूर, ताकि गुलाब जामुन में एक स्मूथनेस सी आए, नहीं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता गुलाब जामुन। तो बस आप इसको अच्छे से मिक्स करो, अच्छे से स्टर करो, अच्छे से अपने हाथों से जितना हो सकता है उतना मिलाओ खोए के साथ। और हाँ, अब आपको इसको मथना शुरू करना होगा, यानी कि आपको इसको अपनी एक फ्लैट सरफेस के साथ मैश करना होगा, ताकि काफी इवन गुलाब जामुन है। ये देखो, अब बस जब डो पूरा एक साथ हो जाए, एक साथ अच्छे से मिल जाए, फिर आप इसको ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में करो और आप इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन काट लो। हाँ, गुलाब जामुन का साइज छोटा ही रखना है, बहुत बड़ा बिल्कुल मत रखना, क्योंकि 2.5 से 3 गुना तो बहुत आराम से हो जाते हैं। मैंने लगभग यहाँ पर 18 गुलाब जामुन बनाए हैं और अब इनको शेप देना शुरू करते हैं। अब आप बोलोगे कि भरत भाई, ये शेप देना इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब हम तो बस हाथ में ऐसे कर देंगे और बस हो जाएगा काम बढ़िया। नहीं, हाथ में नहीं करना, आप ऐसे बॉल लेना, उसको आप पहले अपने हाथ में ऐसे घुमा लेना जैसे करते हैं। याद रखना कि ये जो आपका डो है, ये थोड़ा वार्म होना चाहिए, वार्म नहीं होगा तो सही नहीं बनेंगे। हाथ में लेना, वैसे घुमाना, क्योंकि ये मिल्क पाउडर से बना है इसलिए इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे, अगर खोया होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अब एक फ्लैट सर्फेस के साथ ऐसे रोल कर देना, ऐसे रोल करने से बहुत इवन गुलाब जामुन बनते हैं। ये देखो आप, है ना, बहुत सही, बिल्कुल बहुत कम क्रैक्स हैं और तभी गुलाब जामुन बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके मैंने ऐसे गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं, और कोशिश करना आप कि आप सारे गुलाब जामुन आप पहले ही तैयार कर लो फ्राई करने से पहले, नहीं तो बाकी जो डो होगा वो ठंडा हो जाएगा और उसमें क्रैक्स काफ़ी सारे आ जाएंगे। तो अब टाइम हो गया इसको फ्राई करने। तो मैंने तेल को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखा है, बल्कि लो फ्लेम पे ही आप इसको फ्राई करना, तभी अंदर तक पकते हैं। और जब तेल लगभग 100 डिग्री तक आ जाए, यानी कि गर्म तो काफ़ी है पर बहुत ज़्यादा उबलता हुआ गर्म नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम जब हम फ्राई करते हैं तो हम 150 डिग्री पे करते हैं। 100 डिग्री आपको चाहिए कि थोड़ा सा तेल गर्म होना चाहिए, कुछ यहाँ पर गुलाब जामुन यहाँ पर डाल देना और फिर आप तेल को ऐसे स्टर करते रहना। इसे स्टर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गुलाब जामुन नीचे से चिपक जाते हैं, एक साइड से आप ओवर पक जाएंगे और एक साइड से पकेंगे ही। तब इनको ऐसे अच्छे से स्टर करते रहना, सारे टाइम आपको इसको स्टर करते रहना है, क्योंकि हम लोग हलवाई तो है नहीं, तो हमारे इतना परफेक्शन तो होते ही नहीं है, तो सारे टाइम स्टर करते रहना और धीरे धीरे करके आपके गुलाब जामुन ऊपर आ जाएंगे, तेल में पहले नीचे बैठे होंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे और आराम से ये फ्राई हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ये देखो आप, इसका कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत ही अच्छा कलर ले लिया है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और पकाना, मेरे को तो ऐसा कलर पसंद है, मैंने इसको यहाँ तक पकाया, लग रहे हैं ना बहुत बढ़िया। पर अब आपको यहाँ पर हाथ बहुत तेज चलाने हैं, सीधा ही आप वो गुलाब जामुन निकाल के वार्म चाशनी में सीधा उठाते ही, बिल्कुल तेल नहीं निकालने रुकना, सीधा उठाते ही अपनी चाशनी में आपको डालें बस, और चाशनी में डालते ही आपको इनको डिप कर देना चाशनी में, ये बहुत ज़रूरी है। अब बस अभी गुलाब जामुन नहीं खा सकते, अभी आपको इसको लगभग 2 से 3 घंटे चाशनी में ही रहना देना पड़ेगा, तभी ये बढ़िया होंगे। पहले ये फ्लोट कर रहे थे और वे धीरे धीरे करके जब चाशनी पी गए हैं तो नीचे आ गए हैं। अब आराम से गुलाब जामुन चाशनी पी जाते हैं, आराम से पियेंगे चाशनी, तो आप इनको बिल्कुल रेस्ट करने देना और आप भी रेस्ट करना। दोस्तों है ना, बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन, शेप भी एकदम परफेक्ट है, स्मूथनेस भी है, अंदर तक तो चाशनी भी भरी है। अब इस मिठाई को तो जरूर बनाना बनता है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। तो इसी बात के लिए लाइक तो बनता है। दोस्तों मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, जरूर कोशिश करूंगा एक और मिठाई लेके आऊं, और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो के साथ।